हरे हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन हिते काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दर्शन प्रतिमा से आज हमारे को बात को आगे बढ़ाना है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। ज्ञानी का अंतरंग जीवन तो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन बहिरंग जीवन को देखने पर भी निर्मलता और पवित्रता विशेष रूप से दिखती है। उसके बहिरंग जीवन में किस प्रकार की निर्मलता और पवित्रता होती है, यह प्रतिमाधारियों के रूप में उसे देखा जा सकता है। प्रतिमा किसे कहते हैं? संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को ना। ये प्रतिमा है। प्रतिज्ञा लेने का जहाँ भाव बन गया है अंदर से, परिणाम इतने भीग गए हैं कि अंदर के परिणामों की विशुद्धि अब बाहर में भी झलकने लगी है। ऐसा जीवन बदल जाता है, अंदर में निर्मलता हो और बाहर में वो विशुद्धि झलकने लगे, प्रकट होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब भूमिका बढ़ रही है। कल अंतिम चरणों में एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि जिस व्यक्ति के अंतरंग में हो उसके बाहर में तो नियम से होगा, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो बाहर में जबरन हटाग्रह पूर्वक हट पूर्वक उन व्रतों को और उन क्रियाओं को पालने का प्रयास करे, तो उनके अंतरंग में हो इस बात की गारंटी नहीं है, पता नहीं लगता है ना। इसलिए बाहर से देखने मात्र से ही प्रतिमाधारी हो गए हों ऐसा नहीं है। असली प्रतिमाओं का संबंध तो अंतरंग में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होने वाली शुद्धि, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इन दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होने वाली जो शुद्धि है, जो निर्मलता है, जो पवित्रता है, वो तो असली निश्चय से प्रतिमाएं। और उसके साथ में जो कषाय का मंदता रूप भाव था, मंद कषाय रूप परिणाम था, वो व्यवहार से प्रतिमाएं हैं। और अंदर में शुद्धता और बाहर में कषाय की मंदता, इन दोनों के साथ साथ जो बाहरी शरीर की बाह्य प्रवृत्ति आदि दिखाई देती है, उसे भी व्यवहार से प्रतिमा कह देते हैं। ठीक है, इसलिए जगत में जो प्रतिमाधारी कहने का व्यवहार चलता है वो तो बाह्य आचरण के ऊपर चलता है, क्योंकि अपने को और तो कुछ दिखता नहीं है। इसलिए बाह्य आचरण के आधार पर भी किसी को प्रतिमाधारी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाह्य आचरण भी जिनका सही नहीं हो तो फिर उनको कैसे प्रतिमाधारी कहें? अच्छा, बाह्य आचरण के साथ साथ में अंतरंग कुछ परिणाम, जो कुछ कषायों की मंदता आदि भी दिख रही है, क्रिया तो पाल रहे हैं लेकिन कषाय आदि भी दिख जाती है ना, कभी कभी व्यक्त होती हुई दिखती है, तो ये दो चीज़ों से हम उसके प्रतिमाधारी होने का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन निश्चय से प्रतिमा तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक और उस प्रतिमा के योग्य विशुद्धि होने पर होगी, है ना। माने वो जो है वो उस प्रतिमा के योग्य विशुद्धि, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, इन दोनों के तो चले जाने पर
पंचम गुण स्थान होता है, लेकिन अब उस पंचम गुण स्थान में लेवल कौन सा है, क्योंकि दो कषाय चौकड़ी का भाव तो पहली प्रतिमा वाले के भी है और दो कषाय चौकड़ी का भाव ग्यारहवीं प्रतिमा वाले के भी है, तो फिर कैसे फर्क पड़ेगा उसमें। तो कहा दो कषाय चौकड़ी का तो अभाव हो और कोई व्यक्ति मान लीजिए सातवीं प्रतिमा वाला है तो उसके अंतरंग विशुद्धि सातवीं के योग्य होगी, कोई व्यक्ति पांचवी प्रतिमा वाला है तो उसके अंतरंग विशुद्धि पांचवी प्रतिमा के योग्य होगी, कोई दूसरी प्रतिमा वाला है तो उसके अंतरंग विशुद्धि दूसरी प्रतिमा के योग्य होगी, कोई सातवीं प्रतिमा वाला है तो उसके अंतरंग विशुद्धि सातवीं के योग्य होगी। तो कहने का मतलब ये है कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक गुणस्थान पांचवा और अंतरंग विशुद्धि के बढ़ते बढ़ते उस पांचवें में भी ग्यारह स्तर ग्यारह दर्जे बन गए हैं, जिनमें से हम चर्चा कर रहे हैं आज यहाँ पहले दर्जे के बारे में और कोशिश करेंगे कि कुछ उससे आगे भी बढ़ सकें। दर्शन प्रतिमा देखिए पेज नंबर 23 पर। दर्शन और प्रतिमा, अनेक ना समझ लोग तो प्रतिमा और दर्शन इन दो शब्दों को मिला करके जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने को दर्शन प्रतिमा कहते थे। दर्शन प्रतिमा है ना, दर्शन प्रतिमा क्या, दर्शन करो? प्रतिमा के दर्शन करो, प्रतिमाओं के दर्शन किए, ये दर्शन प्रतिमा हो गई क्या? हाँ, आत्मा के दर्शन हुए। दर्शन किसका, प्रतिमा किसकी, प्रतिमा कौन सी प्रतिमा, कि वो जो वेदी पर विराजमान है उसकी प्रतिमा अंदर में देह देवालय में विराजमान है। लेकिन हम तो अमूर्ति के हैं। हाँ, अरे तो मूर्ति के आई अमूर्ति के हैं, लेकिन ज्ञान मूर्ति है, बिन मूरत है लेकिन चिन्ह मूरत है क्या? ये दोनों शब्दों का प्रयोग दौलत राम जी ने छेड़ाला में किया, बिन मूरत माने अमूर्तिक, लेकिन चिन्ह मूरत चैतन्य की मूर्ति ज्ञान मूर्ति है। तो यहाँ प्रतिमा की चर्चा कर रहे हैं हम, दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा, दर्शन शब्द का प्रयोग यहाँ सम्यक दर्शन के संदर्भ में है। पहली प्रतिमाधारी, पहली प्रतिमाधारी वैसे कोई मिलेंगे नहीं आपको समाज में, इधर उधर कहीं भी जब आप देखेंगे, जब कहीं किसी व्यक्ति के प्रतिमाधारी होने की चर्चा मिलेगी तो आपको दर्शन प्रतिमाधारी कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं, पहली प्रतिमा वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि पहली प्रतिमा में कुछ ऐसे विशेष बात दिखती नहीं है, इसलिए जो भी कोई प्रतिमाधारी दिखते हैं होंगे वे दूसरी प्रतिमाधारी हैं। सब सातवीं प्रतिमाधारी है अभी, इनमें क्या होता है ऐसे दूसरी प्रतिमाधारी है, इसके बाद कोई व्यक्ति आपको ऐसे नहीं दिखेंगे। तीसरी ले लिए साहब, चौथी प्रतिमा ले लिए, मैंने तो पांचवी प्रतिमा, सीधे क्या करते हैं दूसरी सातवीं प्रतिमा, छलांग लगाते हैं क्या, सातवीं प्रतिमा आप देखो, ग्यारहवीं प्रतिमाधारी है साहब, हैं एलक छुल्लक हैं। तभी क्या हुआ, बीच के सब लेवल को आपने उड़ा दिया? नहीं भाई, ये सब स्टेप बाय स्टेप है, यद्यपि विशुद्धि एकदम इतनी बढ़ जाए तो आपका लेवल वो भी हो सकता है। दर्शन प्रतिमा में कुछ बाहर में ऐसा है नहीं जिसे देख करके कोई विशेष कहा जा सके, मुख्य रूप से जो चौथे गुणस्थानवर्ती की भूमिका है जिसे सम्यक दर्शन कहा गया है, वो चौथे गुणस्थान की भूमिका, उस सम्यक दर्शन में और अधिक पवित्रता, उस सम्यक दर्शन में और अधिक निर्मलता, उस सम्यक दर्शन में और अधिक क्या कहेंगे प्रगाढ़ता समझिए आप, तो वो दर्शन प्रतिमा कहा है। वैसे अपन दर्शन प्रतिमा और सम्यक दर्शन में अंतर करें क्या, तो मैं ये कह सकता हूँ सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है और दर्शन प्रतिमा चारित्र गुण की पर्याय है। यूं कह सकते हैं स्वरूपाचरण के बिना बेचैन होता है दर्शन प्रतिमा। अभी स्वरूपाचरण चारित्र तो चौथे गुणस्थान में भी हो गया, अभी वो मात्रा बढ़ गई उसकी दर्शन प्रतिमा वाले की, दो कषाय चौकड़ी के अभाव होने से वो मात्रा बढ़ गई है उसकी, विशेष विशेष शुद्धि निरंतरता, तो अभी और आगे बढ़ना है ना, अभी निरंतरता अभी तो लेवल में ही पहली प्रतिमा के योग्य ही स्थिरता बढ़ी है, क्योंकि यदि पहली में ही निरंतरता हो जाएगी तो फिर दूसरी प्रतिमा चौथी पांचवीं सातवीं ग्यारहवीं प्रतिमा फिर मुनि भूमिका है ना, अभी तो बहुत आगे जाना है ना उसको, अभी तो हम इस लेवल की बात कर रहे हैं कि अभी पहली प्रतिमा वाला है।
तो यहाँ पर क्या करता है, विभाव का ऑपरेशन करता है, मैं विभाव में क्यों चलेंगे? बस अब जो भी है स्थिति उसकी, अपन तो इतना मोटा मोटा पकड़ सकते हैं कि जो सम्यक दर्शन की भूमिका में जिन नियमों का वो पालन करता था चौथे गुणस्थान में, उन्हीं नियमों का पालन और अधिक दृढ़ता से निरतिचार पूर्वक करता है, बस ये दर्शन प्रतिमा है। बहुत अंतर हो सकते हैं जी, सम्यक दर्शन में अनंतानुबंधी का अभाव है, दर्शन प्रतिमा वाले के अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव है। सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है, ये दर्शन प्रतिमाधारी मनुष्य और त्रियंचों में ही हो सकता है। ये दर्शन प्रतिमाधारी ये स्वर्ग में नहीं हो सकते, दर्शन प्रतिमाधारी नरक में नहीं हो सकते, क्योंकि प्रतिमाधारी मतलब पंचम गुण स्थान, स्वर्ग और नरक में पंचम गुण स्थान नहीं है, तो ये प्रतिमा कहाँ होगी? ये जो प्रतिमा है ये मनुष्यों में हो सकती है, मनुष्यों में तो हो ही सकती है, त्रियंचों में भी हो सकती है, माने त्रियंच भी दर्शन प्रतिमाधारी हो सकते हैं। दो कषाय चौकड़ी का अभाव, हम कुछ प्रकरण यहाँ से पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा है इन्होंने, बनारसी दास जी क्या कहते हैं इस प्रतिमा के बारे में। आठ मूल गुण संग्रहे को व्यसन क्रिया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे दर्शन प्रतिमा सोई। क्या कह रहे, आठ मूल गुणों का संग्रह है दर्शन प्रतिमा में, कुव्यसन क्रिया न कोई, सप्त व्यसन का त्यागी और दर्शन गुण निर्मल करे ये दर्शन प्रतिमा सोई। दर्शन गुण को निर्मल करने वाला ये दर्शन प्रतिमा वाला पहला जीव है, माने पंचम गुणस्थान का ये प्रथम या मिनिमम लेवल है। ठीक है, क्या क्या कहा है इसमें देखिए, अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक, तो बात ही कहाँ से शुरू करते हैं, देखो आप ये असलियत यही है, वस्तु स्थिति यही है भाई, क्या कहें, अंतर्मुख जिनका मुख अंतरंग की तरफ है और शुद्ध परिणति पूर्वक कषाय मंदता से, कषाय की मंदता से अष्ट मूल गुण धारण एवं सप्त व्यसन त्याग रूप भावों का सहज होना ये दर्शन प्रतिमा है। बिना अटके पूजा अभिषेक का तो कुछ है, जबकि दूसरे संघ कहते हैं पूजा अभिषेक करना शुरू कर। अरे पूजा अभिषेक करना, दर्शन करना, ये पूजा तो हमने चौथे गुणस्थान से भी पहले, ये तो श्रावक के गुणों में कह दी थी, यहाँ तो पांचवा गुणस्थान है, यहाँ तो लेवल आगे बढ़ गया है भाई। जब हमने श्रावक के षट आवश्यक बतलाए थे, अविरति श्रावक के भी, जो व्रति नहीं है ऐसा श्रावक, वैसे तो मिथ्या दृष्टि के जीवन में भी जो श्रावक कहलाना चाहते हैं उनके छह आवश्यक चाहिए। देव पूजा पहले नंबर पर है उसमें, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब श्रावक की भूमिका में। अभी तो आगे बढ़ गए हैं हम, अभी तो और ऊपर की भूमिका हो गई है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की भूमिका बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये चीजें भी कम होंगी। क्या अभी ऐसा नहीं है कि भूमिका बढ़ गई है तो ऊपर ऊपर की भूमिका में ये पिछले व्रत तो ग्रहण होंगे, लेकिन ऐसी भी स्थिति है कि जैसे मान लीजिए मुनि भूमिका हो गई, अब मुनि भूमिका में वे जिनेन्द्र देव का प्रक्षाल नहीं करते। क्या कभी देखा आपने ये साहब, श्रावकों के तो मुने प्रतिमाओं के पूजन और प्रक्षाल करने का नियम था, तो मुनिराज पूजन करते हैं नहीं? अरे मुनिराज तो वे हैं जिनकी पूजा होती है, वे पूज्य हैं और ये पूजा है, पूज्य और पूजा में फर्क है। मुनिराज पूजा करते नहीं है, मुनिराज प्रक्षाल नहीं करते, मुनिराज जिनेन्द्र देव की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करते, ऐसा है वस्तु स्थिति। कोई बात नहीं, अब क्या करें। देखो हमें तो वो घटना मैंने पहले भी उल्लेख किया था एक बार, है ना, कि यहाँ बदीचंद जी के मंदिर की घटना है, अब वो महाराज को मना कर दिया था प्रतिमा स्पर्श करने से।
हाँ 1996 की बात है। क्यों जब अंतरंगी शुद्ध हो गया है तो बहिरंग की शुद्धता में नहीं, क्योंकि क्या है अंतरंग शुद्धता आपके व्यक्तिगत काम के लिए है और बहिरंग शुद्धता का संबंध जिनेंद्र देव की प्रतिमा जिन मंदिर आपका, यदि अंतरंग शुद्ध हो गया तो बिना नहाए मंदिर आ जाओगे? अपन गृहस्थों की बात कर रहे हैं। आपका यदि अंतरंग शुद्ध है तो आप पवित्र कपड़े पहन करके भगवान को छू सकते हो। यदि मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो आ सकता हूं? कुछ भी गलत काम किया हो चाहे नहीं किया हो, जिनेंद्र देव की प्रतिमा को स्पर्श करने के लिए तो वो बहिरंग शुद्धि भी चाहिए, अंतरंग शुद्धि भी और बहिरंग शुद्धि भी। अकेली अंतरंग शुद्धि से काम नहीं चलेगा। मन शुद्ध है साहब हमारा तो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो ये दरी पे ही तो पाँव रख गया, मन तो शुद्ध है मेरा, मैं प्रतिमा छू सकता हूँ क्या? दरी पे पाँव रख गया, धोती दुपट्टा पहन करके अभी नहा करके आया हूँ, वो शुद्ध वस्त्र पहन करके आया हूँ, धोती दुपट्टे पहन करके आया हूँ। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये देखो एक्चुअल में क्या है, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं राग द्वेष बढ़ाने वाली बिल्कुल नहीं है। उसके अंतरंग में जब शुद्धि होगी तो बहिरंग में भी शुद्धि होनी ही चाहिए। एक प्रमुख न्यूज़पेपर ने छापा था सबसे ज्यादा छुआछूत जैनियों में। ठीक है, उसमें क्या है, सब करते हैं इस तरह की बातें, लेकिन ऐसा नहीं, वो छुआछूत समझते नहीं है, वे राग द्वेष समझते नहीं है। अच्छा बतलाओ, मेरे से तो लोग इस तरह की बातें भी करते हैं, बात उठ गई है इसलिए कह रहा हूँ कि साहब आप कहते हो ये जो भगवान की वीतरागी प्रतिमा है इसके हाथ जोड़ो, इनके दर्शन करो, और बाहर जो दरवाजे के बाहर कहीं बैठे हुए हों बोले उनको दर्शन मत करो, उनके हाथ मत जोड़ो, ये आप कहते हो पंडित जी, तो हमें ये बात बतलाओ कि राग द्वेष तो आप फैलाते हो, इनको करना और इनको नहीं करना, हम तो वितराग भाव से सबको दर्शन करते हैं। भीतर से वितराग तो हम ही है। क्या ऐसे प्रश्न कर देते हैं कई लोग कि हम तो वितराग भाव से, हमारे लिए तो कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, कोई भी हो, हम तो बिल्कुल वितराग भाव से सब के आगे अपना मस्तक झुकता है। ये राग द्वेष तो तुम करते हो और बातें वितरागता की करते हो। सुनो भाई, सबको समान जानने का नाम वितरागता नहीं है, जो जैसा हो उसे वैसा जानने का नाम वितरागता है। क्या सबको समान जान लिया इसे वितरागता थोड़ी ना कहते हैं? मैं आपसे बात करता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, यद्यपि अपन सब विषय से विषयांतर हो रहे हैं, अपने को इस विषय की चर्चा करनी है, मैं तो फिर भी मैं बात कह रहा हूँ आपसे। एक कक्षा में एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन 50 स्टूडेंट्स में से किसी की फर्स्ट पोजिशन आती है, कोई फर्स्ट डिविजन आता है, कोई सेकेंड, कोई थर्ड, कोई ग्रेड से पास होता है, कोई फेल हो जाता है। अब जो फेल हो गया है वो ये कहे कि हमारे जो अध्यापक हैं ये भेदभाव करते हैं। मैं भी रोजाना आया, मैंने भी उतनी फीस दी जितनी इन्होंने दी है, मैं भी वही यूनिफॉर्म पहन करके आता था, बराबर उतना ही टाइम दिया, मैंने भी 3 घंटे बैठ करके एग्जाम दिया, मुझे फेल कर दिया और औरों को पास कर दिया। ये हमारे जो अध्यापक है ना ये भेदभाव करते हैं। पता है भेदभाव कब कहलाएगा? भेदभाव तब कहलाएगा जब फेल होने वाले को पास कर देवे और पास होने वाले को नंबर कम दे देवे, या फिर सबको समान नंबर देवे तो भी भेदभाव है। लेकिन आप तो टीचर है ना, आप जानते हैं कि ये बच्चा कमजोर है, इसको थोड़े से ज्यादा मार्क्स देकर इसके अंदर प्रेरणा भर सकता हूँ। अच्छा सुनो, अच्छा हो जाए ऐसा यदि करे, सुनिए, ऐसा यदि वो करे कि इन सबको, चूंकि सारे ही मेरे स्टूडेंट हैं, पढ़े तो सब नहीं है, अब किसी ने कुछ भी लिखा हो, सबके 100 में से 70 तो सब स्टूडेंट खुश हो जाएंगे, अरे मास्टर जी कितने वितरागी हैं हमारे, सबको समान कोई पढ़ेगा ही नहीं। अरे नहीं भाई, कैसे समान बता सकते हो आप? जो जैसा है, रागी को रागी जाने, वीतरागियों को वीतरागी जाने, अपराधी को अपराधी जाने, निरपराधी को निरपराधी जाने, इसका नाम वीतरागता है, सबको मिला देने का नाम, ऐसा नहीं है। लेकिन कई जगह ऐसा देखा, जैसे धोती दुपट्टा पहन के बाहर निकला, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, छू गया और आज उसने जो है आंखें निकाल कर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो ये कौन सा धर्म हुआ? नहीं है भाई, ये भी नहीं। हम ये किसने कही कि वो आंखें निकाल करके चीखना चिल्लाना अच्छा काम हो जाएगा? ये सब जगह देख रहे हैं इस तरह का। अब दुनिया है, कोई छू गया तो ये अपवित्र हो गया। दुनिया है,
अरे भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई छू गया है आपको तो आप नाराज होइए, हम ये कह रहे हैं यदि कोई आपको छू गया है और आपके पास में सामर्थ्य है, आपके पास में कपड़े हैं, आपके पास में समय है, तो जाकर के बदल आइए, और यदि आप नहीं बदल सकते तो परिणामों का शांत रखिए कि आज मेरा योग नहीं था, नहीं था। बस सीधी सी बात है, मूर्ति को तो नहीं छूएगा, नहीं छूना, नहीं छू सकते सर, फिर मूर्ति को नहीं छू सकते, प्रतिमा को नहीं छू सकते हैं फिर भी। अरे देखिए दर्शन प्रतिमा और कहाँ प्रतिमा छूने की बात पे आ गए अपन, कौन से शुद्धि की बात कर रहे हैं ये, जहाँ मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए धुले हुए तो पवित्र हो गया, और मैंने दरी पर पाँव रख दिया तो मैं पवित्र हो गया। देखिए ऐसा नहीं है, एक्चुअल में क्या है, कितने लोग दरी पर बैठते हैं बिना धुली हुई है, और कब से अपन कब से यहाँ कब से आकर के बैठते हैं, मतलब कब धुली है, जिस चद्दर पर आप बैठे हैं ये चद्दर कब धुली थी। और आपको बात बतलाऊं, आप ऐसे नॉर्मल कपड़े बैठ करके पूजन करें और आप धोती दुपट्टा पहन करके करें, आपके भाव अलग ही होंगे, ये स्वीकार करता हूं। बस तो भावों का ही खेल है, भावों की ही निर्मलता बढ़ती है उन सब चीजों से। और जिनेन्द्र देव है भाई, वो तीन लोक के नाथ हैं, अंतरंग पवित्रता तो होनी ही चाहिए, जिसका अंतरंग ही पवित्र नहीं है, मान लीजिए जो मध्यमांस मधु का सेवन करता है ऐसा अंतरंग से जो अपवित्र है, वो तो कितने भी शुद्ध वस्त्र पहन ले हुए जिन प्रतिमा छूने का अधिकारी नहीं करता है वो, क्या अपने क्योंकि अब पवित्र वैसे ही हुए ना, हाँ धो लिए, धोने के बाद धोबन तो प्रेस करके लेके आती है ना, उनको पहन करके आप मंदिर आ जाते हो, सही बात है, वो कैसे जो भी किया है चलिए, शुद्धि शुद्धि पूर्वक शुद्धि तो ऐसे नहीं रही, अंतरंग शुद्धि दर्शन प्रतिमा दो, अंतरंग शुद्धि का मतलब दो कषाय चौकड़ी का अभाव, इस शुद्धि पूर्वक अष्ट मूल गुण धारण और सप्त व्यसन का त्याग, और त्याग रूप भाव, और ये सप्त व्यसन का त्याग हट पूर्वक नहीं है, ये सहज है, सप्त व्यसन का त्यागी, यद्यपि सप्त व्यसन का त्यागी अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला चौथे गुणस्थान वाला भी होता है, सम्यक दृष्टि भी अष्टमूल गुणों का पालन करता है, सम्यक दृष्टि भी सप्त व्यसन का त्यागी होता है, लेकिन यहाँ सहज पलते हैं उसके, सहज पलते हैं, विशेष शुद्धि पूर्वक पलते हैं, मध्य मांस मधु और पांच उदंबर फल खाने का राग उत्पन्न नहीं होना, राग भाव ही नहीं आता, विकल्प ही नहीं आता, अंदर से वो टूट चुका है, अर्थात इन वस्तुओं का त्याग करना अष्ट मूल गुण का धारण है, जुआ खेलना मांस खाना सात व्यसनों के नाम गिना रहे हैं, याद है ना सबको, आखे टक चोरी पर नारी ए सात व्यसन दुखदाई दुरित मूल दुर्गति के भाई, है ना, ये सात व्यसन आगे गारे हुए, इन सात का नाम गिनाने के बाद ये सात हो गए, जुआ खेलना मांस करना मदिरा पान वेश्या सेवन शिकार करना चोरी करना व परिस्त्री रमण, ये सात व्यसन है, इनका त्याग ही सप्त व्यसन त्याग है, और अष्टमूल गुण बतला दिए, मध्य मांस मधु और पंच दम्बर फल का त्याग, निरतिचार सम्यक दर्शन का होना ही दर्शन गुण की निर्मलता है, दर्शन प्रतिमा निरतिचार पालन होगा, आप क्या कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव इन सप्त व्यसन अष्ट मूल गुणों का पालन नहीं कर पाता है, बिल्कुल करता है, दृढ़ता से करता है, लेकिन कदाचित अतिचार उसके लग सकता है, ये क्या बात कर रहे हो साहब, सप्त व्यसनन सप्त व्यसन उसके त्याग में अतिचार लग जाए, क्या कहना क्या चाहते हो आप, जुआ खेलना का त्याग किया उसने और अतिचार लग जाए, मांस खाने का त्याग किया और अतिचार लग जाए कि हाँ हो जाता है इस तरह का, कभी कदाचित किसी को देख करके कोई खा रहा है, किसने कहा कि मना करो, अब ठीक है अब जो कर रहा है, तो आपका ऐसा कहना भी क्या, किसी व्यक्ति को मांस आदि भक्षण करते हुए या फिर किसी व्यक्ति को अन्य चोरी आदि के कार्य की अनुमोदना हो गई, मान लो चोरी की अनुमोदना तो नहीं, चोरी के माल की अनुमोदना हो गई, कम पैसे में मिल गया, ये भी अतिचार है, सम्यक दृष्टि के अतिचारों को जरा पढ़ करके देखो आप, सम्यक दृष्टि अतिचारा है, उमा स्वामी आचार्य ने लिखे हैं पांच अतिचार,
उनको पढ़ करके देखो तो पता लगता है किस किस तरह की संभावना कदाचित हो सकती है उसके जीवन में, होती है सूक्ष्म ही, वो दृढ़ता से पालन करता है। इसके पीछे मूल उद्देश्य तो यह है ना कि मैं वो कंट्रोल डेवलप करूं जिससे विभाग की तरफ ना चला जाऊं। मूल तो यही बात है, कंट्रोल अपने आप के ऊपर होना चाहिए। सारा जैन धर्म ही सेल्फ कंट्रोल का नाम है। यदि कोई व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल करना जानता है तो इसका मतलब फिर वो ऐसा हो जाता है कि दुनिया उसके कंट्रोल में हो जाती है, मतलब तीन लोग का नाथ हो जाता है। दुनिया कंट्रोल में का मतलब अपने आप पे कंट्रोल सबसे बड़ा काम है। प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति अपने आप पे कंट्रोल तो करना नहीं चाहता है, दूसरे पे कंट्रोल करना चाहता है। ये सोचता है मेरा कंट्रोल इनके ऊपर चले, मेरा कंट्रोल इसके ऊपर चले, ये मेरे कंट्रोल में रहे, ये मेरे हिसाब से चले, ऐसा कैसे होगा बताओ। अब ये जो अब वो कंट्रोल में चलता नहीं है तो ये आकुलता बढ़ती है, घबराहट होती, टेंशन होती, ये क्यों हुआ, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चला। तो भाई तू तेरे को अपने आप को कंट्रोल में रख, स्वयं यदि कंट्रोल में हो तो फिर देवलोग उसके चरणों में आकर के झुकते हैं। क्या चतुर्गति के जीवों के परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि उनके चरणों में आकर के झुक जाएं जो सेल्फ कंट्रोल में रहता है। सम्यक दर्शन पूर्वक भूमि का योग्य शुद्ध परिणति निश्चय दर्शन प्रतिमा है। सम्यक दर्शन तो पहले ही हो गया चौथे में, अब भूमिका के योग्य शुद्ध परिणति ये दर्शन प्रतिमा है, तथा उसके साथ सहज होने वाला, हट के बिना होने वाला कषाय मंदता रूप भाव वे व्यवहार बाह्याचार, ये व्यवहार दर्शन प्रतिमा है। ओके, कितना सरल, वही बात तो वही चल रही है जो अपन दो तीन दिन से कर रहे हैं, वही मैटर है कि भाई अंतरंग में शुद्ध परिणति, परिणति जानते हैं क्या चीज़ है, शुद्ध परिणति, शुद्ध उपयोग। हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवें अध्याय के किसी प्रकरण में शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति की काफ़ी विस्तृत चर्चा की थी। एक प्रवचन तो पूरा ही शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति पर था। ध्यान होगा आप लोगों को, अब वो तलाश किया जा सकता है कि वो कौन सा प्रवचन था, क्योंकि बहुत लोग मांगते हैं शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति के बारे में, बोले बताओ। अब दो पाँच मिनट में क्या बताएं, अभी जो चर्चा पौन घंटे हुई हो उस चर्चा को दो मिनट बतलाएं, दो तीन दिन चली थी अपनी चर्चा शुद्ध उपयोग। हाँ हाँ वो बतला सकते हैं तुम, तो बहुत बढ़िया। शुद्धोपयोग मतलब अचेतन से भिन्न हो, शुद्धोपयोग मतलब अपना उपयोग, उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन की पर्याय, ये ज्ञान दर्शन की पर्याय जो बाहर की तरफ जाती थी, ये जो ज्ञान दर्शन की पर्याय है, इस ज्ञान दर्शन की पर्याय का विषय जब पांच पाप बनते हैं तो वो है अशुभ पांच पाप, और उपयोग है ज्ञान दर्शन, तो उन पांच पाप की तरफ आपका उपयोग लगा, ये अशुभ उपयोग, और वहाँ से हटा और पंच परमेष्ठी जिन मंदिर षट आवश्यक व्रतादिक पालन का भाव, इधर यदि आपका उपयोग, तो ये सारी क्रियाएं कौन सी है, शुभ शुभ, तो ये शुभ उपयोग, और अपना जो शुद्ध स्वभाव है उसमें उपयोग लगा वो कहलाएगा शुद्ध उपयोग। तो शुद्ध उपयोग तो ज्ञानियों को कदाचित होता है, कभी कभी होता है, छद्मस्थ ज्ञानियों की बात कर रहा हूं, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को शुद्ध उपयोग कभी कभी, पंचम गुणस्थानवर्तियों को थोड़ा ज्यादा, छठे सातवें गुणस्थानवर्तियों को शुद्धोपयोग बार बार में, और ऊपर सातवें गुणस्थान से ऊपर वाले शुद्धोपयोगी, और अरहंत और सिद्ध परमात्मा का उपयोग तो निरंतर साधी अनंत काल के लिए शुद्धि ही है। ये तो हुई शुद्ध उपयोग की बात, लेकिन शुद्ध उपयोग माने आत्मा में उपयोग लीन था, वहां से बाहर निकल करके आ जाने के बाद भी जो शुद्धता मेंटेन है, साहब अब कौन सी शुद्धता मेंटेन है, कि अंदर में जब उपयोग लगा था अपने आत्मा के साथ में, तो उस उपयोग के जैसे ही जुड़ान हुआ तो जुड़ान होते ही अनंतानुबंधी खत्म, फिर और विशुद्धि बढ़ी और उपयोग और स्वभाव के साथ में जुड़ा तो अनंतानुबंधी के साथ में अप्रत्याख्यान भी खत्म। अब अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान आत्मा से निकल गई,
इसका मतलब उतनी निर्मलता कॉन्स्टेंटली चल रही है, तो उपयोग बाहर आएगा तो भी उतनी निर्मलता तो अंदर है ना, दो के अभाव जन्य। तो उपयोग के बाहर आ जाने पर भी जो अंदर में वो निर्मलता मेंटेन है वो शुद्ध उपयोग तो नहीं है, क्योंकि तो उपयोग तो बाहर है, तो उपयोग बाहर लेकिन शुद्धता मेंटेन, तो उस मेंटेन शुद्धता का नाम है शुद्ध परिणति। क्या समझ में आ रही है? वो जो शुद्धता मेंटेन हुई, जो मेंटेन रही, उसका नाम शुद्ध परिणति। चौथे गुणस्थानवर्ती के अनंतानुबंधी के अभावजन्य शुद्ध परिणति मेंटेन है। पंचम गुणस्थानवर्ती के अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान के अभावजन्य शुद्ध परिणति मेंटेन है। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के अभावजन्य शुद्ध परिणति मेंटेन है। और पता है उस शुद्ध परिणति का चमत्कार, उस शुद्ध परिणति की क्या बात है? सुनो, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, कई गजब गजब की बातें हैं। उदाहरण से कहो, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी, खुद को भी अमिताभ बच्चन समझने लग गया। नहीं, अभी देखो, शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां, एक सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव, और वो फिल्म देख रहा है, न्यूज देख रहा है टीवी पर। सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थानवर्ती पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोग रहा है, क्या यह चौथे की बात मत करो, पांचवें वाला ऐसा काम कर रहा है। अभी क्या करना अपने को? पांचवें गुणस्थान वाला, क्योंकि अभी वो जब तक उसके सातवीं प्रतिमा नहीं होगी, सातवीं प्रतिमा के पहले तक वो ब्रह्मचारी नहीं है। सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, ठीक है? तभी उसके पहले तक उसके पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने के भाव भी हैं और क्रिया भी है, पांचवें गुणस्थान वाला है। और चौथे गुणस्थान वाला, एक तरफ दो अपन ने व्यक्ति खड़े किए, एक पांचवें गुणस्थान वाला, एक चौथे गुणस्थान वाला, ये पंचम गुणस्थान वाला व्यक्ति पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोग रहा है। ये चौथे गुणस्थान वाला व्यक्ति, ये वर्तमान में मानो उसका शुद्धोपयोग की दशा है, ठीक है, क्षण मात्र के लिए। इसके शुद्धोपयोग का काल और इसके पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने का काल बतलाओ निर्जरा किसके ज्यादा? तो बोले इसके ज्यादा है। क्या बात कर रहे हो आप? ये विषय भोग में है, ये शुद्धोपयोग वाला, ये पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने के काल में, तो इसके भोगने के काल में भी निर्जरा ज्यादा है, इसके शुद्धोपयोग के काल में भी निर्जरा कम है। सुनो सुनो भैया, अनर्थ मत करना, बात को अन्यथा ग्रहण मत करना। इसके जो निर्जरा ज्यादा है, ये भोगने की वजह से नहीं है, भोगने के काल में भी जो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान जा चुकी थी ना, वो निर्मलता जो अंदर में धारा प्रवाह रूप से चल रही है, उससे निर्जरा है, उसके जोर से निर्जरा है। चलो इसी बात को और एक स्टेप आगे बढ़ाओ, पंचम गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग में, पंचम गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग में, और मुनिराज वे आहार के लिए निकले हुए हैं, क्या भोजन कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। ये पंचम गुणस्थान वाले का शुद्धोपयोग और मुनिराज का आहार का परिणाम, विहार का परिणाम, बोलो निर्जरा किसके ज्यादा? मुनिराज के ज्यादा। क्यों? ये शुद्ध उपयोग है साहब, उनके तो शुद्ध उपयोग तो नहीं है, अभी तो आहार कर रहे हैं, अभी तो बाहर में है, अभी तो उपयोग अंदर में नहीं है। तो भी क्योंकि मुनि भूमिका में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन तीन के अभाव जन्य निर्मलता बराबर चल रही है। उस निर्मलता अंदर में जो वो विकार का अभाव हो गया है, उससे निर्जरा ज्यादा है उनके, ये है स्थिति। मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं इन बातों को इतने एग्जाम्पल देकर के समझा सकता हूँ शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति को, कि आप गिनते रह जाओ कि कितनी कितने तरह से समझा दिया इन बातों को। आप वो प्रवचन की तारीख बतला देंगे क्या, और कल हम तारीख सबको बता देंगे, ठीक है ना? तो आप वो उस तारीख का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो प्रवचन कई तरह से, माने वो मेंटेन, वो जो छह महीने तक मेंटेन रहा है उसके पीछे भी वही है। वो उपयोग जो है वो चार्जर है क्या, और जो परिणति है ना
वो चार्ज हो गई है, कितने समय के लिए, केवल 6 महीने के लिए चार्ज हो गई। एक बार शुद्धोपयोग हुआ तो चौथे गुणस्थानवर्ती की बैटरी 6 महीने के लिए चार्ज हो गई। अब 6 महीने के अंदर अंदर यदि वो वापस रिचार्ज करे तो आगे के लिए बढ़ जाए, और रिचार्ज यदि वापस नहीं करे शुद्धोपयोग के साथ में तो गुणस्थान नीचे गिर जाए। चार्ज का मतलब शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग के माध्यम से वो परिणति की बैटरी चार्ज होती है। छह महीने के अंदर अंदर यदि शुद्धोपयोग न होवे तो चौथे गुणस्थान वाला नीचे गिर जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर दोबारा शुद्धोपयोग न होवे तो पंचम गुणस्थान से गिर जाता है, ऐसा नियम है। ये कषाय चौकड़ियों के हिसाब से है, मैंने अनंतानुबंधी का वासना काल 6 महीने से ज्यादा है, तो 6 महीने से ज्यादा का यदि काल हो गया तो इसका मतलब अनंतानुबंधी आ गई, और अनंतानुबंधी आ गई इसका मतलब गुणस्थान चौथा नहीं रहा। चलिए यहाँ हम बात कर रहे हैं भूमि का सहज पंचम गुणस्थान, शुद्ध दशा है उसकी, वो जो शुद्ध परिणति वो निश्चय दर्शन प्रतिमा है। देखो शुद्ध परिणति कह रहे हैं, अरे शुद्धोपयोग को दर्शन प्रतिमा कह देंगे तो ये दर्शन प्रतिमा आनंद भगवान सिद्ध भगवान के लागू होगी, श्रेणी चढ़ने वालों के लागू होगी, इसलिए इन प्रतिमाओं का संबंध उपयोग से नहीं है, परिणति से है। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं देखो आप, ये निश्चय से दर्शन प्रतिमा और उसके साथ में रहने वाला कषाय मंदता रूप भाव बाह्याचार, ये व्यवहार दर्शन प्रतिमाएं। और आचार्य संबंध भद्र स्वामी ने क्या लिखा, उन्होंने दर्शन प्रतिमा में 5 अणुव्रतों को भी शामिल कर लिया, संबंध भद्राचार्य ने दर्शन प्रतिमा मतलब प्रतिमाधारी पहली प्रतिमा वाला बोले अणुव्रत भी शामिल कर लिए उसमें। क्या बात कर रहे हो आप, अणुव्रत तो दूसरी प्रतिमा, व्रत जो दूसरी प्रतिमा है उसका नाम है व्रत प्रतिमा, पहली प्रतिमा का नाम बेटा दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा। ठीक है, तो जो व्रत प्रतिमा है वहां 12 व्रत अंगीकार किए जाते हैं, 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 5 अणुव्रत, 3, 4 शिक्षा व्रत, ये दूसरी प्रतिमा में ग्रहण किए जाते हैं। तो जब दूसरी प्रतिमा में 5 अणुव्रत होते हैं तो फिर ये समंत भद्राचार्य ने पहली प्रतिमा में ही अणुव्रतों की बात कैसे कह दी। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, क्या कह रहे हैं, दूसरी प्रतिमा में जब 12 व्रत होते हैं तो अणुव्रत वहां होते हैं ना, तो फिर ये यहीं पर कैसे कह दिए इन्होंने, बोलो। तो कर देखो भाई, यहाँ 7 ही 4 है वहां निरति 4 मतलब। अभी देखो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, जो इस गुणस्थान में जिस गुणस्थान की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रतिमा की हम बात कर रहे हैं, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, इस दर्शन प्रतिमा में 8 मूल गुणों का पालन होता है और सप्त व्यसन का त्यागी होता है। 8 मूल गुण का पालन और सप्त व्यसन का त्याग इतना होता है ना इस प्रतिमा में। कि सुनो, समंत भद्राचार्य देव ने 8 मूल गुणों के अंदर अणुव्रत शामिल कर लिए। 8 मूल गुण में क्या क्या लेते हैं अपन, 8 मूल गुण में 5 उदम्बर फल का त्याग। 8 मूल गुण क्या है, 5 उदम्बर फल का त्याग, और भैया मध्य मांस और मधु, इन 3 का त्याग, मतलब 8 का जो त्याग है, 5 उदम्बर फल, मध्य मांस और मधु, इनका त्याग, ये है 8 मूल गुण। समंत भद्राचार्य देव ने 8 मूल गुणों में कहा कि 5 अणुव्रतों का पालन मूल गुण है, श्रावक के 8 मूल गुणों में शामिल किया उन्होंने। इतना ही नहीं, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन, जीव दया, क्या और ये मध्य मांस साधु, और उन सबको 5 उदम्बर फल के त्याग को एक ही में शामिल कर लिया। 5 उदम्बर फल का त्याग माने एक, फिर एक मध्य, एक मांस, एक मधु त्याग, तो फिर कितने हुए, बोले जिनको तुम 8 कह रहे थे उनको तो 4 कह दिया उन्होंने, क्या 4 और नए गिना दिए। तो इस तरह से अभी तो शैली है, अलग अलग देश काल परिस्थिति के हिसाब से जैसी परिस्थितियां उन्होंने देखी और जिस तरह की विकृतियां वर्तमान में देखी तात्कालिक समय में,
उन विकृतियों को दूर करने के लिए उन्होंने उस प्रकार की बातें कही है आचार्यों ने, चरणानुयोग है। देखो इस संदर्भ में जयचंद जी चावड़ा क्या कहते हैं, बस सिर्फ बात को पढ़ता हूँ, विशेष चर्चा कल करूँगा, है ना। कोई ग्रंथ में ऐसे कहा है कि पांच अणुव्रत पाले और मध्य मांस मधु इनका त्याग करे सो अष्ट मूल गुण है, सो या में विरोध नहीं है। जैसे ही छावड़ा कह रहे हैं बात समझ में नहीं आएगा तो कल चर्चा करूंगा, बाकी समझने जैसे क्या ऐसा कुछ नहीं है। अणुव्रतों को पाले और मध्य मांस मधु का त्याग करे, अणुव्रत और मध्य मांस मधु, बोले ये अष्ट मूल गुण का है या में विरोध नहीं है। विवक्षा भेद है, पंच उदंबर फल और तीन मकार का त्याग कहने ते जिन वस्तुनि में साक्षात त्रस दिखें ते सर्व ही वस्तु भक्षण नहीं करें। क्या क्या? पांच उदंबर फल और क्या कहा? तीन मकार। तीन मकार मतलब मा मा मा, ये तीन मकार, मध्य मांस और मधु, मा मा मा, ये तीन क्या है? मां, तीन ऐसे शब्द जो मैं से शुरू होते हों वे कहलाते हैं तीन मकार। कहते हैं ये त्याग कहने में जिन वस्तुओं में साक्षात त्रस दिखे ते सर्व ही वस्तु भक्षण नहीं करे, जिनमें त्रस दिख रहे हैं, देवादिक निमित्त तथा औषधादिक निमित्त इत्यादि कारण ते दिखता त्रस जीवनी का घात न करें, ऐसा आशय है। देवों के निमित्त और औषधि के, देवों के निमित्त मतलब पूजा के निमित्त से हैं, भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, किसी भी नाम पर त्रस जीवों की हिंसा कर रहे हो आप। अब ये हवन के अंदर जहां आपने जलती लकड़ी आपने उसके अंदर जला दी है, समझ लो आप, जहां आपने ऐसे जीवों का पुंज, कितने समय की पहले की फिसी हुई धूप जिसमें त्रस जीव हो गए थे, धूप वो उसमें डाल दी आपने, तो ये त्रस जिसमें दिख रहा है तो देवादिक के निमित्त भी नहीं, और किस लिए? औषधि आदि के लिए भी नहीं, जिनमें दिख रहा है हमारे को कि इनमें त्रस जीव का घात है वो काम न करे, ऐसा आशय है। सो यहां में तो अहिंसाणु व्रत आया, तो अहिंसाणु व्रत हो गया, तीन मकार आदि का त्याग, त्रस जीवों का इनका त्याग वगैरह में, और सात व्यसन का जहां त्याग किया है, सप्त व्यसन के त्यागों में झूठ का त्याग हो गया जुआ में, ठीक है ना, और चोरी तो अलग ही है सप्त व्यसन में, और परस्त्री ग्रहण का भी त्याग नहीं, त्याग है उसमें सप्त व्यसन के त्याग में, तो ये भी आ गया। तो या में अति लोभ का त्याग थे, परिग्रह का त्याग घटावना आया, तो इन सब में अति लोभ नहीं था, परिग्रह का त्याग जैसा हो गया, ऐसे पांच अणुव्रत आते हैं, ये सब गर्भित हो गए, जो अष्टमूल गुणों का पालन किया और सप्त व्यसन का त्याग किया उसमें पांच अणुव्रतों को गर्भित कर दिया। जयचंद जी साहब ये कह रहे हैं, गर्भित किस तरह से किया उनको, किस में? तो इनके अतिचार टले नाई ताते अणुव्रत नाम न पावे। पहली प्रतिमा वाले के, पहले प्रतिमा वाला त्रस जीवों के हिंसा से बचता है, लेकिन क्या कह रहा है, अतिचार लग जाते हैं उसके बेचारे के, इसलिए अणुव्रत नाम नहीं प्राप्त करता। अणुव्रत तो दूसरी प्रतिमा वाले के कहलाएंगे, तो पहली प्रतिमा वाले के कह दिए हमने उपचार से अणुव्रत, क्योंकि अतिचार सही थे। ऐसे दर्शन प्रतिमा का धारक भी अणुव्रती है, ताते देश विरत सागर संयमाचरण चारित्र में याकु भी गिन्या है, वहां ऐसी चर्चा की है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे।